हाय गाइस, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आप हमारे जो कलर व्हील है उसमें कलर हारमोनीज दी हुई है उसमें जो एनालॉगस कलर स्कीम है उसको यूज़ करते हुए किस तरह से आई मेकअप करेंगे। सो सबसे फर्स्ट देखिए, मैंने यूज़ किया है जो PAC का फ्लश पैलेट है उसमें से वाइट लिक्विड शेड है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, एंड आई बेस के लिए मैं उसको यूज़ कर रही हूँ जो कि वाइट शेड है एकदम। उसको हमें पूरे लिड पर अप्लाई कर लेना है हमारे आईब्रोज को शेप देते हुए, एंड उसको ब्लेंड कर देना है। लिक्विड प्रोडक्ट जब भी आप यूज़ करते हैं तो हमेशा आपको पाउडर से उसको लॉक करने की नीड होती है। सो कोई भी ट्रांसल्यूशेंट लूज पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आपको उसको सेट कर देना है। देन देखिए, मैं यूज़ कर रही हूँ एनालॉगस कलर स्कीम। एनालॉगस कलर स्कीम में जो कलर व्हील में बिल्कुल नेबर के कलर है ग्रीन, येलो, ग्रीन एंड येलो, वही हम आई मेकअप में यूज़ करेंगे। तो ग्रीन हमारा डार्क कलर है, तो डार्क कलर हमेशा जब हम आई मेकअप करते हैं तो आउटर कॉर्नर पर रखते हैं। तो जो हमारा आउटर कॉर्नर है वहाँ पर मैंने अप्लाई किया है ग्रीन, एंड मिड में मैंने अप्लाई किया है येलो ग्रीन। येलो ग्रीन शेड अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कैसे बनाएंगे, ये मैंने अभी लास्ट जो कलर व्हील थ्योरी पढ़ाई थी उसमें बताया था कि किस तरह से हम कलर्स क्रिएट करते हैं। एंड जो इनर कॉर्नर है वहाँ पर मैं अप्लाई करूँगी येलो। सो देखिए, ये एनालॉगस कलर स्कीम में क्या होता है, जो भी आस पास के 3 या 4 कलर्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कलर्स क्या होते हैं, अगर हम ये कलर स्कीम के अकॉर्डिंग मेकअप करते हैं तो मेकअप बहुत अच्छा लगता है। ये कलर्स एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे निकल कर आते हैं। अब जब आई मेकअप आप करते हैं तो देखिए, आपके शेड्स कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने 3 शेड अलग अलग अप्लाई किए हैं। हर शेड एक दूसरे से में से निकल कर आते हुए दिखना चाहिए, कहीं भी हार्श लाइन नज़र नहीं आनी चाहिए, और इनको हम बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और जो आउटर है वहाँ पर थोड़ा हम लाइट ही रखेंगे, एंड ट्रांजिशन शेड के लिए मैंने यूज़ किया है येलो ग्रीन कलर, क्योंकि मिड में हम हमेशा यूज़ करते हैं मीडियम शेड। ग्रीन को थोड़ा सा डार्क करते हुए और अगेन मिड में येलो ग्रीन शेड थोड़ा सा डिपॉजिट करेंगे, एंड दोनों को एक साथ में मर्ज कर देंगे ताकि दोनों तीनों शेड्स जो हमारे हैं वो एक दूसरे के साथ निकलते हुए नज़र आए। मिक्सिंग हमारी इस तरह से होनी चाहिए कि कोई देखकर हम पहचान भी पाएँ कि ये हमने कौन सी कलर स्कीम यूज़ की है, एंड बिल्कुल अलग अलग कलर्स, कोई भी हार्श लाइन तीनों शेड को मिलाते हुए नज़र नहीं आनी चाहिए। एंड देखिए, फिर हम क्रीज़ पर अच्छे से ब्लेंड करेंगे, एंड जो आउटर वी है हमारा वहाँ पर बिल्कुल लाइटली उसी को बाहर की तरफ ब्लेंड करेंगे, एंड जो डार्क शेड है उसको अंदर की तरफ ब्लेंड करेंगे। गाइस, ब्रश चलाने की टेक्निक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, देन ट्रांजिशन शेड मैंने लिया है येलो ग्रीन कलर का, एंड जो अब क्रीज के ऊपर मैंने शेड यूज़ किया है वो मैंने लाइट सा पिंक शेड, येलो ग्रीन शेड है उसके साथ मिक्स करते हुए यूज़ किया है। देन मिड में मैंने अप्लाई किया है ग्रीन शिमर, एंड उसके बाद में गोल्डन ग्लिटर मैंने उसके ऊपर अप्लाई किया है। देन हम अप्लाई कर रहे हैं लाइनर। मेरी हुडेड आइज़ है तो उसके अकॉर्डिंग आई लाइनर हमें आई शेप के अकॉर्डिंग लगाना होता है। सो वो भी आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले क्लासेस में मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आप आई लाइनर अलग अलग आई शेप के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। गाइस, अगर आपने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप पूरा वीडियो बहुत अच्छे से पूरा देख लेते हैं, स्किप नहीं करना है आपको, तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। एंड अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कलर व्हील थ्योरी से लेकर के जो भी हमारी बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल क्लासेस है उसमें कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देन मैंने अप्लाई किया है मस्कारा। लैशेस मैंने अभी नहीं लगाई है क्योंकि मुझे सिर्फ आपको एनालॉगस कलर स्कीम के बारे में बताना था। एंड मस्कारा अप्लाई करने के बाद में मैंने अप्लाई किया है काजल। आप जो लोअर लैश लाइन है वहाँ पर भी आप येलो शेड अप्लाई कर सकते हैं। मैंने लाइट सा पिंक शेड दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं दिया है। जब भी आप नीचे लोअर लैश के नीचे जब आप शेड अप्लाई करेंगे तो आपने क्या करना है, जो लोअर लैश का हमारा आउटर साइड है वहाँ पर आप थोड़ा डार्क लेते हुए इनर में आते हुए थोड़ा सा लाइट शेड देंगे। देन देखिए, आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा आई मेकअप हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है, और बहुत ही लाइट सिंपल सा हमने आई मेकअप किया है, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लुक हमने नहीं किया है। एंड आप ये वाला आई मेकअप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा एंड आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा।
आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।